हेलो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने सिग्नल्स का बेसिक फिनिश कर लिया है और आज के लेक्चर में हम सिस्टम का बेसिक स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली सिस्टम होती क्या है तो अगर मैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज में यहां पर बोलूं तो सिस्टम इज बेसिकली अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ फिजिकल प्रोसेस वेयर वन ऑफ द फिजिकल डिवाइस और कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल डिवाइस यूज फॉर जनरेशन ऑफ आउटपुट फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट तो सिस्टम एक तरह का आपका मैथमेटिकल मॉडल है जहां पर आप आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं फॉर द पर्टिकुलर इनपुट तो अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो सपोज करिए आपके पास कोई सिस्टम है और उस सिस्टम में आप कोई इनपुट दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि सिस्टम अपनी प्रोसेसिंग करे और आपको आउटपुट प्रोवाइड करे सपोज करिए आप जब इनपुट टू देते हैं आउटपुट मिलता है ट्वेल्व जब आप इनपुट फाइव देते हैं मल्टीप्लाई है 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 पर? पर है, कर रहा है क्लियर पॉइंट तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं सिस्टम को तो सिस्टम इज बेसिकली प्रोसेसर ठीक है विच प्रोसेस द इनपुट एंड प्रोवाइड यू द आउटपुट तो यहां पर बेसिकली हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स का एनालिसिस करना है सबसे फर्स्ट हम करेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम इसके बाद हम करेंगे टाइम वेरियंट एंड टाइम इन वेरियंट सिस्टम इसके बाद हम करेंगे स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम देन हम स्टडी करेंगे कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम इसके बाद हम स्टडी करेंगे स्टेबल एंड नॉट स्टेबल सिस्टम इसके अलावा हम स्टडी करेंगे इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम तो बेसिकली तो आज के लेक्चर में जो हमारा टारगेट होने वाला है वो होने वाला है लीनियर एंड नॉन लिनियर सिस्टम तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट हाईलाइट करवाना चाहूंगा वो पॉइंट क्या है कि आपने हमेशा एल टी आई सिस्टम के बारे में सुना होगा लीनियर टाइम इन वेर सिस्टम वो सिस्टम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंट्रोल सिस्टम में भी हम एल सिस्टम ही यूज करते हैं लेकिन यहां पर यहां पर आप सारे के सारे सिस्टम पढ़ोगे वन बाय वन पढ़ोगे और जब सारे के सारे सिस्टम हम पढ़ लेंगे उसके बाद हमें फर्स्ट सिस्टम में से लीनियर और सेकेंड सिस्टम में से टाइम इन ये दोनों को मर्ज करके एल सिस्टम यूज करना है पॉइंट क्लियर हो गया है तो यहां भी हम एल सिस्टम पर फोकस रखेंगे लेकिन पहले ये सारे सिस्टम का डिटेल एनालिसिस करेंगे तो यहां पर मैं आपको थ्योरी भी बताऊंगा साथ साथ में बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आप इन सिस्टम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए तो सबसे फर्स्ट सिस्टम हमारा होगा लीनियर लीनियर एंड नॉन सिस्टम तो अगर हम बात करते हैं यहां पर लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम की तो सबसे पहले मैं आपको थ्योरी वे में बता देता हूं कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी उसके बाद मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आप देखिए सपोज करिए कोई इनपुट है एक्सटी और वो आप सिस्टम में अप्लाई करते हैं और आपको आउटपुट मिलता है वाई टी अब आप सपोज करिए इसी सिस्टम में आप इनपुट देते हैं एक्स वन टी तो आपको आउटपुट मिलता है इसी सिस्टम में आप इनपुट एक्स टू टी और आपको आउटपुट मिल जाता है वाई टू टी अब आप क्या करने वाले हैं अब यहां पर आप इनपुट देने वाले हैं एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी ठीक है मिस दोनों को मिक्स करके तो आउटपुट भी क्या मिलना चाहिए आपको अगर आपकी ये प्रॉपर्टी यहां पर सेटिस्फाई हो जाती है तो इस प्रॉपर्टी को आप कहते हो एडिटिविटी ठीक है तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है की तो ये प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है एडिटिविटी प्रॉपर्टी नाउ अगर मैं सेकंड कंडीशन की यहां पर बात करूं आपका इनपुट एक्सटी है तो आउटपुट वाई टी है सपोज करो अगर आप इनपुट देते हो एक्स टी वे इज एनी कॉन्स्टेंट तो आउटपुट भी आपको मिलना चाहिए ए वाई टी अगर यह प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो इसे हम कहते हैं होमोजेनिटी या इसको मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलिंग फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है ठीक है आप देख सकते हैं स्केलिंग फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई किया है तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है होमोजेनिटी प्लस एडिटिविटी तब आपका सिस्टम लीनियर है अगर दोनों में से कोई एक भी ना हो तब सिस्टम आपका नॉन लीनियर है ठीक है ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छे से ना यहां पर अब आप समझो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसका मीनिंग क्या है देखो ध्यान से सुनना मेरी बात मान लो आपका इनपुट है टू ठीक है और आपका जो सिस्टम है वो क्या करता है उसका काम है किसी भी इनपुट को थ्री से मल्टीप्लाई करना क्लियर है पॉइंट सिस्टम का वर्क समझ लो किसी भी इनपुट को वो थ्री से मल्टीप्लाई करता है ठीक है ये सिस्टम का काम है तो आपका इनपुट क्या है पहले टू है तो टू पर आपको आउटपुट क्या मिलेगा सिक्स मान लो दूसरा है आपका फोर तो फोर पर आपको आउटपुट क्या मिलेगा ट्वेल्व था? था. तो पर क्या मिल गया सिक्स और फोर पर क्या मिल गया ट्वेल्व क्योंकि सिस्टम का काम क्या है थ्री से मल्टीप्लाई करना अब ये एडिटिविटी क्या है कि अगर आप दोनों इनपुट को एड करके एक साथ भेजो पहले आप अलग अलग भेज रहे थे दोनों इनपुट को एड करके अगर एक साथ भेजो तो जो आउटपुट मिलेगा वो भी इनके एडिशन के इक्वल होना चाहिए मतलब आउटपुट के एडिशन के इक्वल होना चाहिए दैट मीन मान लो अगर मैं इनपुट भेजता हूं सिक्स ठीक है तो सिस्टम के अकॉर्डिंग सिस्टम क्या करता है किसी भी इनपुट को थ्री से मल्टीप्लाई करता है तो सिस्टम के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या मिलेगा एटीन और देख लो आप

तो सिस्टम के अकॉर्डिंग सिस्टम क्या कर रहा है सिस्टम थ्री से मल्टीप्लाई कर रहा है तो सिस्टम के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या मिलना चाहिए था 30 मिलना चाहिए था और यहां पर देखो जो फिफ्टीन मिला था हमें पर तो जब आपने इनपुट को टू से मल्टीप्लाई किया टेन तो आउटपुट भी देखो आपका टू से मल्टीप्लाई हो गया थर्टी आपने आउटपुट को 2 से मल्टीप्लाई तो यहां पर नहीं किया ना आपने तो इनपुट 10 दिया और देखा सिस्टम इनपुट को 3 से मल्टीप्लाई करता है तो आपको 30 मिल गया लेकिन यहां पर देखो वो प्रॉपर्टी सेटिसफाई हो रही है कि जब आपका इनपुट टू से मल्टीप्लाई हुआ तो आउटपुट भी एग्जैक्टली exactly टू से मल्टीप्लाई हो गया है पॉइंट क्लियर हो रहा है थ्योरी क्लियर हो पा रही है आप लोगों को अगर नहीं क्लियर हो रही है तो एक और एग्जांपल आप लोग देखो देखो ये खाली इक्वेशन ना रट लेने से कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको क्लियरिटी होनी चाहिए इस इक्वेशन का मीनिंग समझ में आना चाहिए उसके बाद हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे आप देखो एक और एग्जाम्पल देखो तो अगर मैं एक और एग्जाम्पल डिस्कस करूं तो सपोज करो सिस्टम का काम अब क्या है स्क्वायर करना है ठीक है तो टू का स्क्वायर कितना आ गया फोर थ्री का स्क्वायर कितना हो गया नाइन आ गया क्लियर हो गया पॉइंट सिस्टम अपना स्क्वायर कर रहा है कोई भी इनपुट दो उसका स्क्वायर कर देता है वो क्लियर हो गया अब देखो मैंने पहले two और three अलग अलग दिए थे अब मैं क्या कर रहा हूं टू और थ्री दोनों को एक साथ दे रहा हूं तो मैं क्या दे रहा हूं फाइव दे रहा हूं तो सिस्टम का काम तो स्क्वायर करना है तो फाइव पर वो क्या दे देगा चुपचाप से वो ट्वेंटी दे फाइव दे देगा लेकिन मैंने क्या बोला जब इनपुट को एड करो मतलब इनपुट को एड किए

तो यहां पर आप देख सकते हो एडिटिविटी सेटिसफाई नहीं हुई सिस्टम नॉन लीनियर है लेकिन फिर भी अगर मैं होमोजीनिटी भी चेक करूं तो आप देखो होमोजिनिटी के लिए अभी भी मान लो सिस्टम का काम क्या है स्क्वायर करना ही है ठीक है तो मान लो मैंने एक इनपुट लिया है थ्री, थ्री का स्क्वायर कितना आ गया नाइन आ गया ठीक है आप यहां पर नजर बना के रखो तो आपका थ्री का स्क्वायर कितना आया है नाइन आया है अब आप देखो मान लो ए की वैल्यू जो है वो फिर से टू है Clear हो गया पॉइंट तो मान लो मैं सिक्स देता हूं इनपुट तो सिक्स तो मिला है उसे क्या करना है उस का square करना है तो क्या दे देगा सिस्टम आउटपुट थर्टी सिक्स दे देगा लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो एक्चुअल में क्या ये होमोजिटी सेटिस्फाई हुई थ्री का स्क्वायर नाइन आया

तो आई होप ये नॉन एंड लीनियर सिस्टम का जो कंसेप्ट है ना वो यहां पर आपको अब आप समझ में आ गया होगा ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी लेकिन अभी भी एक सवाल हमारे सामने ये है कि हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे प्रॉब्लम तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा लेकिन अभी मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका सिखाने वाला हूं वो तरीका अगर आप याद रख लोगे ना वो तरीका अगर आप समझ जाओगे तो आप कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर पाओगे ठीक है तो वो तरीका मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा तो वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं तो देखो यहां पर मैं आपको टोटल दो मेथड बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ठीक है यहां पर एक मेथड ऐसा होगा जो थोड़ा सा बोल सकते हो इनडायरेक्ट होगा लेकिन अगर आप उस मेथड को सीख जाओगे ना तो आप कोई भी प्रॉब्लम ना बहुत जल्दी कर पाओगे तो पहले मैं वही तरीका आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं तो ध्यान से देखो मैथड वन और यहां पर मैं एग्जाम्पल कौन सा ले रहा हूं मैथ्स का एग्जाम्पल ले रहा हूं ठीक है y equal to mx हम जानते हैं ये बेस्ट एग्जाम्पल होता है लीनियर ग्राफ का ठीक है ना वाई वाई एक्सिस एक्स एक्स एक्सिस और एम क्या होता है आपका स्लोप तो हमें पता है लीनियर है मैं यहां पर टी वगैरह कुछ भी शो नहीं कर रहा हूं क्लियर ए पॉइंट तो यहां पर अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो y इक्वल टू एम एक्स तो देखो तरीका क्या है सबसे पहले ना आपको जो भी गिवन है उसको इक्वेशन नंबर वन दे दो ठीक है क्वेश्चन में भी आपको यही काम करना है हमेशा उसके बाद क्या करो वाई वन ले लो एक्स वन ले लो फिर क्या कर दो वाई टू एक्स टू इनको दे दो आप इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर थ्री उसके बाद क्या करो टू और थ्री को आप एड कर दो ठीक है काफी ईजी है ध्यान से समझो तो क्या हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू इज इक्वल टू एम एक्स वन प्लस एम एक्स टू इसको दे दो इक्वेशन नंबर फोर फिर क्या करो इक्वेशन वन में वापस जाओ y की जगह पुट करो y1 वन प्लस Y2, और x की जगह पुट करो x1 वन प्लस एक्स इसको दे दो इक्वेशन नंबर फाइव मैंने क्या किया वन में वापस गया y की जगह y1 वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स ठीक है अब आप देखो क्या फोर और फाइव इक्वल है तो आप देख सकते हो फोर और फाइव एक्जैक्टली इक्वल है एम एक्स वन प्लस एम एक्स टू यह भी हो जाएगा फिफ्थ नंबर का इक्वेशन तो आप बोलोगे एडिटिविटी आपकी सेटिस्फाई हो गई इतना ही आसान है बस चेक करने के लिए क्लियर अब आप देखो होमोजिनिटी के लिए क्या करना है आपको देखो ध्यान से आपको यहां पर पूरे के पूरे इक्वेशन को मतलब आपको पहले वन में वापस जाना है और वन में वापस जाके पूरे के पूरे इक्वेशन को पहले ना कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई करना है वन में जाओ पूरे के पूरे इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करो मतलब दोनों साइड क्लियर हो गया पॉइंट अच्छे से क्लियर है अब उसके बाद इसको दे दो इक्वेशन नंबर क्या करो फिर से वन में जाओ फिर से इक्वेशन नंबर में में जाओ और अब क्या करो y इक्वल टू लिखा होना चाहिए लेकिन ये पॉइंट ध्यान रखना इस मेथड को यूज करने के लिए मतलब y के बाद सारी चीजें इधर होनी चाहिए आपकी अब क्या करो y इक्वल टू अगर इक्वेशन है आपके पास तो क्या करो x की जगह मतलब सिर्फ और सिर्फ आर एच एस में आर एच एस को एज इट इज लिखो x एक्स की जगह क्या कर दो एक्स कर दो ठीक है मतलब जो आपका आर होना चाहिए ना वो वाई इक्वल टू में होना चाहिए मतलब LHS में सिर्फ y होना क्या करना है दोनों के दोनों के आपको कंपेयर करने इक्वल है, है तो आप बोलोगे होमोजीनिटी भी आपका सेटिस्फाई हो गया पॉइंट क्लियर है तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट है लेकिन काफी इफेक्टिव मेथड है आप यकीन मानो बहुत सारी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसोगे नहीं ठीक है डिफरेंशियल इक्वेशन वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग हो सकती है लेकिन नॉर्मल प्रॉब्लम में आप कभी भी फंसोगे नहीं इस मेथड के थ्रू मैं यहां पर आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं इसी मेथड के थ्रू फिर मैं मेथड टू भी आपके साथ डिस्कस करूंगा तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ठीक है ये एग्जांपल भी मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा फेमस है तो सेम प्रोसेस है आपको क्या करना है सबसे पहले y1 x1 ये करके चलना है इक्वेशन नंबर टू बस कॉपी पेस्ट करते जाओ बगल से फिर y2 x2 इक्वेशन नंबर थ्री हो जाएगा फिर क्या करना है One और को आपको ऐड कर देना है बेसिकली टू और थ्री को आपको ऐड कर देना है ठीक है तो टू और थ्री को अगर आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू फिर कितना हो जाएगा एम एक्स वन प्लस सी प्लस एम एक्स टू प्लस तो टू सी हो जाएगा ये पॉइंट ध्यान रखना है ना आपको तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फोर अब क्या करना है वन में वापस जाना है वन में वापस जाकर y की जगह पुट करना है वाई वन प्लस वाई टू और x की जगह बस पुट करना है एक्स वन प्लस एक्स टू तो यहां पर c जो है वो c ही रह जाएगा तो आप क्लियरली देख सकते हो इक्वेशन नंबर फोर और फाइव आपका इक्वल नहीं है क्यों यहां पर टू सी हो गया था यहां पर सिर्फ सी है मतलब यहां पर आप बता सकते हो कि जो एडिटिविटी है वो आपकी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है क्लियर हो गया अच्छे से इसके बाद अब आपको होमोजिनिटी के लिए जाना है तो वन में वापस जाओगे वन में जाकर क्या करना है आपको पूरे इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करना है आपको तो देखो ए वाई ए एम एक्स प्लस ए सी इक्वेशन नंबर सिक्स फिर से वन में वापस जाना है आपको और अब क्या करना है अब सिर्फ RHS वाले को देखना है और एक्स की जगह ए एक्स पुट करना है यह पॉइंट क्लियर रखना है आपको तो आप देखो यहां पर ध्यान से एम ए एक्स प्लस सी इक्वेशन नंबर सेवन तो यहां पर अब अगर आप देखोगे तो यह क्या हो गया ए एम एक्स प्लस ए एक, सी यह क्या हो गया ए एम एक्स प्लस सी मतलब दोनों इक्वल नहीं है यहां पर ए सी है नीचे में सी है तो अगेन आप बोल सकते हो होमोजीनिटी भी आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी ठीक है तो ये सिस्टम आपका नॉन नॉन लीनियर लीनियर है है वैसे आप पहले ही ही पता लगा चुके थे कि सिस्टम है, लेकिन आपको दोनों दोनों ही प्रैक्टिस करना है क्योंकि एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ लीनियर है नॉन लीनियर पूछे हो सकता है ऐसा पूछ ले कि किसी सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही होमोजिनिटी हो रही कि नहीं हो रही पर्टिकुलर भी पूछ सकता है तो इस पॉइंट को ध्यान रखो आप लोग ठीक है तो ये दो एग्जाम्पल से इतना तो समझ में आ जाता है कि कितना ईजी है चेक कर पाना लेकिन फिर भी मैं यहां पर अभी आपको मैथड टू बताऊंगा और सिग्नल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसे होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे लेकिन आप मेथड टू को भी अच्छे से लर्न कर लो तो अब आप लोग ध्यान से देखो मेथड नंबर टू अब देखो मेथड नंबर टू में क्या करना है आपको आपको ना पहले वाई वन एक्स वन पुट करना ही है y1 वन इज इक्वल टू एम एक्स वन वाई टू इज इक्वल टू एम एक्स टू आपका इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री ये होगा ही होगा ठीक है अब आपको क्या करना है अब आपको ना इक्वेशन नंबर टू को ए से मल्टीप्लाई करना है और प्लस इक्वेशन नंबर थ्री को आपको बी से मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो देखो होगा क्या ए वाई वन प्लस बी वाई टू ज इक्वल टू एम ए एक्स वन प्लस बी एम एक्स टू ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फोर पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से अब क्या करना है आपको फ्रॉम वन वापस जाना है आपको वन में जैसे ही आप वापस जाओगे ध्यान से समझो अब क्या करना है वाई की जगह आपको पुट करना है ए वाई वन प्लस बी वाई टू ठीक है इन प्लेस ऑफ वाई यू नीड टू पुट ए वाई वन प्लस बी वाई टू क्लियर हो गया और इन प्लेस ऑफ एक्स आपको पुट करना है ए एक्स वन प्लस इक्वेशन आपके इक्वल प्रूफ हो जाते हैं तो आप बोलोगे डायरेक्टली बोलोगे सिस्टम आपका लीनियर है ठीक है क्योंकि यहां पे देखो आपने दोनों टास्क एक ही साथ परफॉर्म कर लिए आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी करते चले गए और आपने एडिटिविटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करा ली ठीक है तो आप देख सकते हो फोर और फाइव आपके एग्जैक्टली exactly इक्वल होंगे ब्रैकेट ओपन करने के बाद तो ये सिस्टम क्या होगा आपका लीनियर होगा तो ये भी एक मेथड होता है हमारे पास इसको देख लो आप सेकेंड प्रॉब्लम को फिर से वही टास्क है पहला वाई वन तो वाई वन क्या होगा एम एक्स वन प्लस सी इक्वेशन नंबर टू फिर y2 y2 क्या हो जाएगा एम एक्स टू प्लस सी इक्वेशन नंबर थ्री फिर क्या करना है देखो a इंटू टू प्लस बी इंटू थ्री तो कितना हो जाएगा ये? ये हो जाएगा आपका ए वाई वन प्लस बी वाई टू इज इक्वल टू ए एम एक्स वन प्लस ए सी प्लस बी एम एक्स टू प्लस बी सी इक्वेशन नंबर फोर फिर आप इक्वेशन नंबर वन में वापस चले जाओ इक्वेशन नंबर वन में वापस जाने के बाद क्या करो y की जगह पुट करो ए वाई वन प्लस बी वाई टू तो ये तो आपका सेम ही आ गया लेकिन x की जगह क्या पुट करो एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी तो यहां पर अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में मींस अगर आप इसको इक्वेशन नंबर फाइव दे दो तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो फोर और फाइव एग्जैक्टली इक्वल नहीं है क्यों यहां पर सिर्फ सी है यहां पर ए सी बी सी वाले टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं क्लियर हो गया अच्छे से तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि यहां पर जो आपका एडिटिविटी होमोजीनिटी दैट मीनस यहां पर आपका सिस्टम जो है वो नॉन लीनियर है प्रॉपर्टीज आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है एडिटिविटी एंड होमोजीनिटी और डायरेक्टली आपने एक ही साथ दोनों को चेक कर लिया और आपको सिस्टम क्या मिल गया नॉन लीनियर मिल गया तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे लेकिन मेथड वन को यूज करने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि वाई इक्वल टू में बाकी सारे टर्म आपके होने चाहिए पॉइंट क्लियर हो गया तो आई होप ये लीनियर एंड नॉन लिनियर सिस्टम का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम यहां पर ढेर सारे एग्जाम्पल लेंगे ढेर सारे हम क्वेश्चन करेंगे ठीक है थैंक यू